आज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश होगा तो वो कोई नया बना मंत्री नहीं बल्कि ट्विटर इंडिया होगा, क्योंकि ट्विटर इंडिया के खिलाफ लगातार बोल रहे थे रविशंकर प्रसाद। और किसने सोचा था कि रविशंकर प्रसाद, जो भाजपा के इतने बड़े नेता हैं, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो इतना ज़्यादा संघर्ष करते थे, सड़कों पर प्रदर्शन करते थे, चाहे महंगाई बढ़ती हो चाहे कुछ भी होता हो, प्रदर्शन में सबसे आगे रविशंकर प्रसाद नज़र आते थे जब बीजेपी विपक्ष में थी। मीडिया से भी मुखातिब सबसे ज़्यादा रविशंकर प्रसाद ही होते थे। तो किसने सोचा था कि रविशंकर प्रसाद का मंत्रालय इस तरह से छिन जाएगा। अब जब मंत्रालय छिनते हैं तो कयास लगाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन मंत्री जी ने काम नहीं किया होगा, तो कुछ लोग कहते हैं इनकी बनी नहीं होगी अपने बड़े नेताओं से, पार्टी के अन्य नेताओं से। जबकि रविशंकर प्रसाद का जाना लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरानी में डाल रहा है, क्योंकि ट्विटर के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा वोकल थे वो, और ट्विटर के खिलाफ वोकल भी थे, और सबसे बड़ी बात वोकल होकर वो धमकी तो देते थे लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी ट्विटर के खिलाफ। इससे क्रेडिबिलिटी पर भी असर पड़ा, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि ट्विटर की चिड़िया इंडिया से उड़ाने के चक्कर में मंत्री जी का खुद का ही मंत्री पद चला गया। और लोग इसमें कह रहे हैं कि शायद अगर ट्विटर के खिलाफ उन्होंने इस तरह से मोर्चा ना खोला होता तो शायद उनका पद नहीं जाता। जाहिर सी बात है, जो नई पॉलिसी थी उनके साथ एग्री करने के लिए ट्विटर के साथ विवाद चल रहा था, और रविशंकर प्रसाद क्लियरली ट्विटर को वार्निंग भी दे चुके थे। वहीं कुछ नेताओं का कहना है कि जिस ट्विटर पर दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सेल प्रोपोगेंडा फैलाती है उसी के खिलाफ रविशंकर प्रसाद बोल रहे थे, और अपनी ही आईटी सेल के खिलाफ एक तरह से बोल रहे थे कि अगर ट्विटर बैन हो जाता इंडिया से तो फिर प्रोपोगेंडा कहाँ फैलाया जाता। जाहिर सी बात है, ये विपक्ष की बातें हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, कोई पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अधिकतर लोगों का यही मानना है कि ट्विटर के साथ जो वॉर हुआ, ट्विटर के खिलाफ जो इतने ज़्यादा वोकल रहे रविशंकर प्रसाद, उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, और कामयाबी भुगता उन्होंने अपना पद गवा कर। वहीं हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका पद जाने से भी लोगों में खुशी दिखी, क्योंकि कोरोना की दूसरी वेव हो, चाहे बिहार का चमकी बुखार हो चाहे कोरोना की पहली वेव हो, एक बात तो साफ है कि स्वास्थ्य मंत्री बैकफुट पर नजर आए थे। और लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था जब उन्होंने बाबा रामदेव की कोरोनिल का प्रचार किया, उसके लॉन्च में पहुँचे थे, और उस वक्त दावा किया गया था कि कोरोनिल कोरोना की दवाई है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को भी अपना मंत्रालय गंवाना पड़ा है, और रविशंकर प्रसाद को भी अपना मंत्रालय गंवाना पड़ा है। हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन का मंत्रालय जाएगा ये बात लगभग तय थी, लेकिन रविशंकर प्रसाद का भी मंत्रालय जाएगा ये बात किसी को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।